नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर सिक्स और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। और आज सुपर सिक्स में बात एक ऐसे प्रेमी की करेंगे जो प्रेमिका से मुलाकात की गुहार लेकर जन दर्शन में पहुंच गया। बात ऐसे स्कूल की भी करेंगे जहां छात्र तो पहुंचते हैं लेकिन टीचर गायब रहते हैं। पन्ना में राजू बना जेंटलमैन, मजदूर को मिला है हीरा। बात कांवड़ में सिस्टम की भी करेंगे, झोला छाप डॉक्टर कैसे जान के दुश्मन बन रहे हैं यह भी बताएंगे आपको। कहां बदहाल है मिड डे मील, इसकी बात ही करेंगे। और सुपर सिक्स में सबसे पहले बात रायपुर के आधे अधूरे पड़े स्काई वॉक का। जी हां, और इसका निर्माण अब पूरा किया जाना है। विष्णुदेव साय सरकार ने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का फैसला लिया है। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। स्काईवॉक का उपयोग मुख्य तौर पर फुट ओवर ब्रिज के रूप में किया जाएगा। स्काईवॉक के अलग अलग स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि रमन सरकार में शास्त्री चौक पर स्काईवॉक बनाने का फैसला लिया गया था, इसका निर्माण भी शुरू कर दिया गया था, लेकिन 2018 में कांग्रेस सरकार ने स्काईवॉक निर्माण पर रोक लगा दी थी। इसको लेकर राजनीतिक विवाद भी जमकर हुआ था और अब स्काईवॉक पूरा करने का निर्णय लिया गया है। दरअसल क्योंकि पिछली सरकार की ये योजना थी और इसीलिए जब कांग्रेस सरकार आई तो उसने इसे अधर में ही लटका दिया। यहां तक की बात हुई कि स्काईवॉक को तोड़ा जाएगा, लेकिन सियासी हेरफेर में या कहें सियासी वार पलटवार में ये जो स्काईवॉक था ना तो पूरा हुआ और ना ही यहां से हटाया जा सका, या कहें कि इसे डिसमेंटल भी नहीं किया गया। और इसके बाद दूसरी सरकार आ गई 5 साल बाद, यानी फिर बीजेपी सरकार है और अब फिर से निर्णय लिया गया है इस स्काईवॉक को पूरा करने का। तो दरअसल ये बेहद महत्वपूर्ण जगह पर राजधानी रायपुर के स्काईवॉक बनाया जा रहा था ताकि लोगों के लिए आने जाने में, सड़क पार करने में दिक्कतें ना आए, और अब इसे पूरा किया जाएगा। सुरक्षा के लिहाज से भी सीसीटीवी कैमरे और तमाम दूसरी व्यवस्थाएं भी इस स्काईवॉक में की जाएंगी। और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई जिसमें यह फैसला लिया गया है, अधूरा स्काईवॉक पूरा किया जाएगा। न्यूज 18 संवाददाता युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ रायपुर से। युगल, स्काईवॉक अब पूरा हो जाएगा, बड़ा इंतजार आम जनता को भी था लेकिन कहें कि सियासत में अटक गया 5 साल। ये बिल्कुल प्रशांत, पहली मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा। देखिए अधूरे स्काईवॉक की लगभग 70 करोड़ लागत से बनाने का ये लक्ष्य रखा गया था, लेकिन जब कांग्रेस सरकार आई काम रुका और इसमें कई कमेटियां बनी लेकिन काम अधूरा रहा। लोग हमारे बीच मौजूद हैं, बताएंगे स्काईवॉक बनना चाहिए नहीं, क्या कहेंगे? अभी सरकार ने फैसला लिया है कि ये बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि जनता का पैसा वेस्ट जाएगा, प्लस यहाँ चोरी चमारी ज्यादा होगी, गुंडागर्दी ज्यादा होगी ऊपर में। 70 करोड़ लगा भी तो है हमारा, तो सर जनता का पैसा है वो अपने लिए थोड़ी लगा है। युगल पूछिएगा कि जब सड़क पार करके हादसा होता है, किसी की जान जाती है, उससे राहत नहीं मिलेगी क्या? जी हादसों से बचत होगी? जी रोक सड़क पार करके जाते हैं, ये राहत होगी कि नहीं होगी? राहत तो होगी थोड़ा सा, लेकिन इसमें ना बहुत खतरा भी है क्योंकि बुजुर्ग लोग चढ़ नहीं पाएंगे, जवान ही चढ़ पाएंगे, बाकी लोग तो चढ़ नहीं पाएंगे, 40 साल के बाद वाले चढ़ नहीं पाएंगे। इनको ये भी बताइएगा कि जरूरत के साथ से एस्केलेटर भी लगाए जा सकते हैं। ऑटो चलाते हैं, क्या क्या है ट्रैफिक की समस्या? जी एस्केलेटर लगाएंगे, चढ़ने के लिए रहेगा जैसे रेलवे स्टेशन में रहता है। तो क्या लगता है, ये सरकार ने एक फैसला लिया है, अच्छा फैसला है? इससे कोई मतलब नहीं है भैया, आज के डेट में बताओ कौन पैदल चलना चाहता है? इससे कोई मतलब ही नहीं है मेरे से, ये 4 पहिए के लिए कर देता जो ट्रैफिक की व्यवस्था कम हो जाती। देखिए आप प्रशांत, दरअसल 5 सालों से काम रुका हुआ है और यही वजह है कि ये स्काईवॉक की उपयोगिता लोगों को समझ में नहीं आ रही है। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो आम जनता है, बताएंगे सर कि ये स्काईवॉक बनाने का फैसला सरकार ने लिया है, क्या कहेंगे उसको लेकर के आप? नहीं बनना चाहिए, लोगों को जमीन में चलने का शऊर नहीं है, वहाँ कहाँ चलेंगे। 70 करोड़ रुपए भी लगे हैं हमारे और ये फैसले लिए हैं, तात्यापारा चौक का भी चौड़ीकरण होगा।
नहीं, तात्याबारा का तो चौड़ीकरण होना चाहिए, पर वो इसमें फ्लाईओवर की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो देखिए प्रशांत, दरअसल उपयोगिता की बात है, जब लोग उसको उपयोग करते हैं तो उसकी महत्ता को भी समझते हैं और राजनीतिक पैदल रास्ता पार जो पेचीदगी में फंस कर उनसे संभवतः बात हो पाती तो शायद रिएक्शन अलग होते और यूथ जो कॉलेज आता जाता है जिससे दिक्कतें होती हैं वो शायद अगर होता तो और शायद अलग बात होती। बहुत शुक्रिया युगल आपका इस बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे। अक्सर जन दर्शन में जन सरोकार से जुड़ी हुई परेशानी लेकर लोग पहुंचते हैं, लेकिन अपने आपने पहला ऐसी अर्जी अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं जो ना आपने सुनी होगी ना देखी होगी। एक प्रेमी जन दर्शन में पहुंचा जिसकी फरियाद सुन अधिकारी भी हैरान रह गए। एक बेचारा इश्क मारा धमतरी में लवर का दर्द दे, जन दर्शन में पहुंचा दिल दा मामला, प्रेमिका से कराओ मुलाकात, सर हमारी मीटिंग फिक्स कराओ, इस इश्क में कौन विलेन, ये कैसी मुश्किल है, ना घर की परेशानी ना नौकरी की दिक्कत ना ही किसी दबंग से बचाने का आवेदन। इस चिट्ठी पर गौर कीजिए क्योंकि इसे पढ़कर अधिकारी भी सोच रहे होंगे क्या करे क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल है। तो इस लाइन को पढ़िए, जन दर्शन में दर्द दिल का मामला पहुंचा, प्रेमी सीधे आवेदन लेकर पहुंच गया कि जिसका टाइटल है प्रेमिका से मुलाकात के संबंध में। इस आवेदन में प्रेमी ने अपनी कोशिशों का हवाला दिया कि वह दो बार प्रेमिका से मिलने गया लेकिन उसे महबूबा का दीदार नहीं हुआ, सारी कोशिश करके हार गया, तब उसे सिर्फ एक ही रास्ता सूझा और वो था जन दर्शन में अपना दर्द दिल बयां करने का। जिस आवेदन में गुहार लगाई गई है उसे प्रेमिका से मिलने की परमिशन दी जाए। हर तरह के आवेदन पत्र आते हैं, हर आदमी को अपनी बात रखने का अवसर है जन दर्शन, और आते हैं विश्वास के साथ और हम लोग कलेक्टर महोदय के निर्देशन में जैसा उचित होता है व्यवहारिक तौर तरीके होते हैं उसके हिसाब से समझाइश दे के बहुत सारे निर्णय भी लेते हैं और उसका हल भी निकलता है। अब सुनिए इस दर्द के बारे में। दरअसल धमतरी के अमेठी गांव का रहने वाला प्रेमी कलेक्टर जन दर्शन में पहुंचा जिसका आवेदन पढ़कर अधिकारी भी हैरान थे। दरअसल लड़के और लड़की के इश्क की खबर लड़की के घर वालों को लगी, दोनों का मिलना जुलना बंद हुआ, एक रास्ता था मोबाइल फोन वो भी बंद कर दिया गया। लेटर में इस बात का जिक्र है कि प्रेमी की नौकरी भी लगने वाली है, यानी प्रेमी का ये कहना है कि वो कैपेबल है प्रेमिका से मुलाकात के लिए। देखिए उसको मतलब मैडम ये जो प्रकरण मेरे नॉलेज में नहीं है, मैम के नॉलेज में है और जिनको भी मतलब वो मार्क किए होंगे उसमें वो प्रभावी तरीके से कार्रवाई करके इसमें कुछ न कुछ हल निकालने की कोशिश करें। अब अधिकारी इस दिल के मर्ज का क्या हल निकालेंगे ये अपने आप में दिलचस्प होगा। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए धमतरी में अभिषेक पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात कटनी की करेंगे। कटनी में भारी बारिश के चलते रेलवे ट्रैक डूब गया, वहां से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आखिर पानी में डूबे रेलवे ट्रैक पर आगे आगे रेल कर्मी चल रहे हैं और पीछे पीछे बहुत धीमी गति से ट्रेन आ रही है। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। रेल ट्रैक पर पानी भरने से कटनी और जबलपुर के बीच ट्रेनें धीमी रफ्तार में चलाई जा रही। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हालात से निपटने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। सीएम ने एक्स पर पोस्ट किया है कि कटनी जिले में अतिवृष्टि से कई स्थानों पर जलभराव और बाढ़ के हालात बने हैं। मैंने जिला प्रशासन के अधिकारियों से बात कर उनसे बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त की और गंभीर स्थिति से निपटने के लिए निर्देश दिए। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए SDRF और NDRF होमगार्ड के जवान और पुलिस प्रशासन की टीम भी जुटी हुई है। हमारा प्रयास है कि सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाकर उन्हें हर संभव मदद दी जाए। ये हालात हैं कटनी के। दरअसल न केवल अंडरब्रिज बल्कि रेलवे ट्रैक तक पानी में डूब चुके हैं, लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीर देखिए आप, आगे आगे
रेलवे कर्मचारी चल रहे हैं और पीछे पीछे ट्रेन आ रही है। ये चेक करते हुए चल रहे हैं, ये जो आगे कर्मचारी हैं कि जो ट्रैक है वो यहीं पर है, इसी तरह से कहीं मिसिंग तो नहीं है ट्रैक या कहीं डैमेज तो नहीं हुआ है ट्रैक, और पीछे पीछे धीरे धीरे ट्रेन आ रही है। चूंकि दरअसल जमीन पर कुछ नजर ही नहीं आ रहा है, आखिर ट्रैक है कहां, तो फिर विकल्प भी नहीं है। और देखिए आप कैसे ट्रेन को रास्ता पार करा रहे हैं ये रेलकर्मी। और अब आपको दिखाएंगे राजू बन गया जेंटलमैन। कहते हैं वक्त बदलते देर नहीं लगती, पन्ना के राजू के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसके हाथ लगा खजाना, कैसे मजदूर राजू बना लखपति, ये रिपोर्ट देखिए। फर्श से अर्श तक पहुंचने में देर नहीं लगती, कहते हैं देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। ये बात एकदम फिट बैठती है पन्ना के राजू गौंड पर। मजदूर राजू को 10 साल से उम्मीद थी और आंखों में सपना भी कि एक ना एक दिन उसकी किस्मत जरूर चमकेगी, और ये सपना पूरा हो ही गया। इस चमचमाते हीरे ने दिन ही बदल दिए। 10 साल पहले राजू ने हीरा कार्यालय से पट्टा बनवाकर खदान लगाई थी। 10 साल की मेहनत का नतीजा है जो राजू के हाथ में चमचमा रहा है। राजू को कृष्णा कल्याणपुर पटी उथली हीरा खदान में हीरा हाथ लगा, उसके बाद तो परिवार की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। हीरा है सर 19 कैरेट 22 सेंट और पटी कल्याणपुर के यहाँ लगाए थे, और 1.5 महीना हो गया मचाते हमको, आज जाके मिला है। कितनी खुशी है? बहुत खुशी है सर। और अब क्या करोगे उस पैसे का? अब लड़का बच्चा पढ़ रहे सर, उसमें लगाएंगे, अगर कहीं थोड़ा जगह जमीन बन जाएगी तो ले लेंगे, उसी में अपना गुजारा चलेगा सर। हीरा देखकर परिवार की आंखें ही चौंधिया गईं। खास बात तो ये है कि हीरा भी बेस्ट क्वालिटी का है, जेम्स क्वालिटी का 19 कैरेट और 22 सेंट का हीरा, जो नायाब हीरे में शुमार है, जिसकी अनुमानित कीमत 80 लाख रुपए है। आज एक हीरा प्राप्त हुआ है, हीरा खदान क्षेत्र पट्टी से कृष्ण कल्याणपुर गांव पे ही है, और सुनवादा आदिवासी को हीरा प्राप्त हुआ जो हरगुआ का रहने वाला है। हीरे का वजन 19 कैरेट 22 सेंट है, उज्ज्वल किस्म का हीरा है, अच्छा हीरा है, आने वाली नीलामी में इसको रखा जाएगा और विक्रय किया जाएगा। अभी तक टोटल 8 पीस हीरा प्राप्त हुए, जिनका वजन 59 कैरेट 65 सेंट है। लाखों की कीमत का है? हाँ, इसकी कीमत लाखों में अंदाजा जा सकता है, अभी मूल्यांकन के बाद आपको बताया जाएगा कि इसकी अनुमानित। पेशे से मजदूर राजू गौंड, जिस पर लाखों का कर्जा चढ़ा है, मुफलसी में दिन गुजर रहे थे, लेकिन अब पूरे परिवार को राहत मिली है कि कर्जा तो उतरेगा ही और जिंदगी भी सवर जाएगी। सेम खदान ही कर रहे हैं सब, ट्रैक्टर ड्राइव वाली करते हैं मजदूरी, सीजन में चलाते हैं फिर खदान में लग जाते हैं सर। पैसा जब नहीं रहता है तो कहीं इससे उठाते हैं, कभी अभी हम 3-4 लाख कर्जा में चल रहे हैं सर। तो अब मिल गया तो अब कर्जा भी चुक जाएगा? देखो वो तो चुकेगा सर। अब जेम्स क्वालिटी के इस हीरे की मार्केट में अच्छी डिमांड है, ना कहिए हीरे की बोली करोड़ तक पहुँच जाए, किस्मत वाला राजू लखपति से करोड़पति बन जाए। पन्ना में संजय तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और जिस स्कूल की हम आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, वहां स्टूडेंट टीचर का इंतजार कर रहे हैं। ये टीचर अक्सर स्कूल लेट आते हैं, सुनकर चौंकिए नहीं, ये रिपोर्ट देखिए और कि कैसे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। यही नहीं, एक और शहर है जहां छात्रों को भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा। अगर इस स्कूल में हाजिरी लगेगी तो यकीन मानिए सारे स्टूडेंट के नाम के आगे प्रेजेंट लगेगा, लेकिन टीचर जी वो तो अब्सेंट ही समझिए। अक्सर बच्चे स्कूल आने के लिए ना नुकुर करते हैं, कभी कभी लेट भी हो जाते हैं, लेकिन रायसेन के प्राथमिक शाला गैरतपुर की तस्वीर हैरान कर देती है। यहाँ तो टीचर जी का अता पता ही नहीं है, स्कूल गेट के बाहर बच्चे खड़े हैं जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि टीचर जी आएंगे तब हम क्लास में जाएंगे। रायसेन के प्राथमिक शाला गैरतपुर की तस्वीर हैरान कर देती है।
यहाँ टीचर के आने का कोई टाइम टेबल है ही नहीं, न स्कूल आने का, और कब स्कूल बंद कर दें ये भी नहीं पता। सुनिए कैसे स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं। 11 बज गए हैं लेकिन एक भी शिक्षक नहीं आया। रायसेन में लेट लतीफ टीचर, तो इधर अपने हक की लड़ाई के लिए रतलाम में स्टूडेंट को भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा। नारा सुनिए, नारे में बच्चों का दर्द। यहाँ पर हायर सेकेंडरी स्कूल तक का करड़िया में मतलब कक्षाएं संचालित होती है। अभी 7-8 दिन पहले भी यहाँ पर शिक्षकों की कमी के कारण यहाँ पर कुछ मतलब प्रदर्शन वगैरह किया गया था, जिसमें हमारे तहसीलदार महोदय भी आए थे और उन्होंने 7-8 दिन में यहाँ पर जो शिक्षकों की कमी के कारण जो अध्ययन प्रभावित हो रहा है उससे संबंधित उन्होंने आश्वासन भी दिया था। रतलाम के आलोट के कराडिया गांव की हायर सेकेंडरी स्कूल में 13 टीचर की नियुक्ति है, लेकिन टीचर हैं सिर्फ 2। अब सोचिए जरा कैसे पढ़ाई होगी। बच्चों को मिल रहा है तो सिर्फ आश्वासन, क्लासरूम में पढ़ाई की बजाय स्टूडेंट को सड़क पर बैठकर अनशन करना पड़ा। एसडीएम आलोट ने बच्चों को समझाया, 8 टीचर की ज्वाइनिंग का भरोसा भी दिलाया। इसके पश्चात आज और इनकी मांग को देखते हुए यहां पर तत्काल अभी 3 शिक्षक और अटैच किए हैं, तो 5 और कुल 3-8 शिक्षक यहां पर अटैच हो गए हैं और सब्जेक्ट वाइज भी उनको किया हुआ है। ये दोनों तस्वीर सवाल बनकर खड़ी हैं, क्या ऐसे संवरेगा देश का भविष्य? रतलाम में सुधीर जैन और रायसेन में दिनेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। खुले में रसोई, बरसता पानी, बदहाली की कहानी। ये जो तस्वीर आपको हम दिखाने जा रहे हैं ये कवर्धा की है। सरकारी स्कूल में मिड डे मील का हाल बदहाल है और मिड डे मील कैसे तैयार हो रहा है, रसोइयों को कितनी परेशानी हो रही है। खुले में जंगल में लकड़ी से खाना बनाया जा रहा है। पंडरिया विकास खंड के मिडिल स्कूल बाह पानी में खुले में बच्चों के लिए खाना बनाने की नौबत आ गई है। बारिश में हाल बदतर हो जाता है, स्कूल भवन तो है नहीं, और ऐसे में रसोई घर की उम्मीद करना बेमानी होगी। दाल चावल और एक सब्जी बनाने में रसोइयों की हालत खराब हो रही है। ये केवल एक स्कूल की तस्वीर नहीं, अमूमन हर स्कूल में वनांचल क्षेत्र में ये आम बात है। सुनिए आखिर किस तकलीफ से गुजर रहे हैं लोग। मन अभी खाना वाना खाए पी के भगे हैं, तुम्हारा एक बात भगे हैं उन मन। अच्छा, गुरुजी नहीं है तो हुन, अब अनार के आम के कहने वाला नहीं है तो वहाँ कौन लड़का बन रहा है। मिडिल स्कूल चलते हैं, प्राइमरी स्कूल गला चलते हैं। जन गुरुजी हैं? 4 जन गुरुजी, दोनों स्कूल मिला के। हाँ, मिडिल में 2 जन प्राइमरी में। अच्छा, आते हैं मन? आते हैं। कौन कौन आते हैं? 4 गुरुजी आते हैं। बीओ से संघ समन्वय के माध्यम से जानकारी मंगाई जा रही है, अगर ऐसा है तो वहाँ पे तत्काल सुविधा देने की व्यवस्था की जाएगी। हम इस वक्त मौजूद हैं वनांचल के बाहपानी पंचायत अंतर्गत भली नंदर गांव में। यहाँ मिडिल स्कूल संचालित होता है, आप देख सकते हैं कि वहाँ जो रसोई का काम है वो खुले में हो रहा है और यहाँ पे रसोई घर नहीं बने। आप देख सकते हैं कि बाहर में ही जो रसोई बनाने का काम होता है और यहाँ गैस सिलेंडर जो सुविधा मिलती है, बात कही जाती है किस पंचायतों के माध्यम से शिक्षा विभाग के द्वारा दी जाती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चूल्हे में खाना बनाया जाता है और यहीं से बच्चों को खिलाया जाता है। अभी बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में आप देख सकते हैं किस तरह से भोजन व्यवस्था होगी। काफ़ी तकलीफ और परेशानियों के बीच जो है यहाँ पे रसोइये भोजन तैयार करते हैं और सबसे खास बात यह है कि पानी की भी यहाँ पे समस्या बता रहे हैं कि अभी भी ये झीरे का पानी ही पीते हैं, पानी का कोई सोर्स मौजूद नहीं है, ना ही नलकूप है ना और हैंडपम्प की सुविधा इनके गाँव में नहीं है और रसोई को लेकर अभी खासा परेशानियों का सामना इनको करना पड़ रहा है। खुले में जो है गाँव के लोग जो रसोइये हैं वो भोजन बना तैयार करते हैं। और अगर आप भी झोलाछाप डॉक्टर के जाल में फंस गए हैं तो जरा सावधान रहिए, ऐसे जो झोलाछाप डॉक्टर आपकी सेहत से खिलवाड़ कर सकते हैं। तस्वीर जांजगीर चांपा के सख्ती की है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में बंगाल से आए बंगाली डॉक्टरों ने अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है। जिनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं होता और ना ही वो मेडिकल काउंसिल से रजिस्टर्ड होते हैं। हद तो तब हो जाती है जब ये बिना नर्सिंग होम एक्ट का
पालन किए ही गांव वालों का इलाज करने का दावा कर मरीजों की जान से खिलवाड़ करते हैं। सक्ती जिले के नजदीकी जिला जांजगीर चांपा में मौसमी बीमारी डायरिया से 4 लोगों की मौत के मामले सामने आ चुके हैं। यही नहीं, सक्ती जिले के झोलाछाप डॉक्टरों की लापरवाही से कई ग्रामीणों की मौत के मामले भी सामने आए हैं। सवाल है कि आखिर ऐसे झोलाछाप डॉक्टर पर लगाम कब लगेगी, कब कसेगी नकेल।